पशुपति जी एक कमेंट आपसे चाहेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये अभिषेक भाई जो ये के शर्मा जी बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा तो मैं इन्हें कहूंगा कि एक हिंदू हो के इन्हें किसने बना दिया विशेष लक्षण, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको हिंदू होके शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, मोदी कोई गलत बात नहीं बोली, योगी जी ने कोई गलत बात नहीं बोली, उनका एक अपना वो है, बयान है, उन्होंने गलत बात नहीं बोली। उन्होंने ना ये कहा मैं क्या नाम है, मैं कोर्ट के खिलाफ हूँ या मैं उसके खिलाफ हूँ, उन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा। अब ये लोग अपनी रोटियां बनाने के लिए, अपनी रोटियां सेंकने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ओवैसी जैसे आदमी को शर्म आनी चाहिए, वर्क जैसे आदमी को शर्म आनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही कहा योगी जी ने कि कहां से त्रिशूल बने हुए उस पर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक एक मुस्लिम आके मुझसे ये कहे कि ये औरंगजेब का मैं वंशज हूं, मैं तैयार हूं सब कुछ छोड़ने के लिए, है कोई इनके पास एक भी? एक चोर डकैत आता है, कुत्ता आदमी आता है, हमारे देश को बर्बाद करता है, हमारे मंदिरों को खंडित करता है, और ये उसे पूछते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। तुम भारत देश के व्यक्ति हो ही नहीं, इन्हें निकाल देना चाहिए भारत देश। ठीक ठीक है पशुपति जी, क्या 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 गलत कर रहा है योगी जी ने, क्या गलत बोला भाई? पहले एक एक कमेंट मैं सबसे ले लेता हूँ, उसके बाद फिर इस चर्चा को। अभिषेक जी सुनिए, मुझे एक वंशज ला दीजिए औरंगजेब का, एक औलाद या उसके उसका, मैं उसकी बात मानने को तैयार हूँ।